2022 में कुछ ही मंथ्स बचे हैं, जो स्मार्टली यूज करेगा वो दिसंबर एंड में अचीवमेंट वाली फील लेके जाएगा। दिमाग से निकाल दो कि 2022 के इतने महीने निकल गए, पूरा साल बचाने के लिए एक महीना काफी होता है, पूरे महीने को बचाने के लिए एक सप्ताह काफी होता है, पूरे सप्ताह को बचाने के लिए एक दिन काफी होता है, पूरे दिन को बचाने के लिए एक घंटा काफी होता है। मेरा 2021 साल बेस्ट बना था सिर्फ एक महीने में ज्यादा मेहनत करने की वजह से। आज 11 सितंबर है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चार महीने में ये अप्लाई कर दो, दिसंबर के एंड में आते आते लगना चाहिए यार क्या फोड़ा है मैंने। 10 रूल्स बताऊंगा, एक भी बात कहीं सुनी हुई नहीं होगी, लो स्क्रीन पर देख लो, ये सारी बातें आप जानने वाले हो। एक एक पॉइंट अप्लाई खुद से टेस्ट करके देखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से गायब करना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप एकांत में जाओ, आइसोलेशन में जाओ, गायब होने के बाद में फिर क्या करना है वो बताऊंगा। आज अपने आप को दरवाजे में बंद कर दो, बहुत जल्द कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे। लेडर वाइज धीरे धीरे ऊपर चढ़ूंगा मैं, जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगी माहौल गर्म होता जाएगा। चार महीने गायब होना है, सिर्फ एक केंद्र बिंदु पर नजर रखनी है, पूरा बदल जाना है। चार महीने के लिए मतलब ही बन जाओ, कामयाब होकर सबके हो जाओ, कोई कहीं नहीं जाना है, लोग दुनिया कहीं नहीं जाना है, पावरफुल बन जाओ, लोग आपसे जुड़ने लग जाएंगे। पब्लिक में रिवॉर्ड लेने के लिए प्राइवेट में मेहनत करनी होती है। रूल नंबर 1, जोश में कुछ भी नहीं होता है, ये ठंडा हो जाता है। जोश वाला गुस्सा और जोश वाला मोटिवेशन दोनों ही लिमिटेड है। सबके सपने होते हैं, सबके अंदर जोश होता है, आप अकेले नहीं हो। तो करना क्या है ध्यान से सुन लो, ये कहीं और नहीं मिलेगा। अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओ। 98% मैन मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको मैं सवाल करता हूँ, आप अपनी बॉडी पर कितना काम कर रहे हो, इसको कितना स्ट्रांग कर रहे हो। 10वीं क्लास में मैंने जिम जाने की बात करी थी, टीचर ने कहा कि यार कहाँ लड़ने जा रहा है। उन टीचर को मैं बोलूंगा रूल नंबर 2, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। जिम का मतलब बॉडी बनाना नहीं होता है, हाई टेस्टोस्टेरोन मतलब पावरफुल फील करोगे, यू विल फील एनर्जी। एक काम आप लो एनर्जी में और सेम काम आप सेरोटोनिन हार्मोन्स जब रिलीज होता है एक्सरसाइज करने के बाद में उसके बाद करो, यू विल बी इन कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज, बात करने का तरीका, काम करने का तरीका बदल जाएगा। हर वक्त मोटिवेटेड और एनर्जेटिक कैसे रहे, इस सवाल के कई जवाब सुने होंगे आपने। लोग एक ही काम पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते क्योंकि स्टेमिना नहीं है दिमाग का, हार्मोन्स की बौछार खत्म हो जाती है, डोपामिन खत्म हो जाता है, फ्यूल खत्म हो जाता है। अगर आपको 1000 किलोमीटर जाना है तो आप 500 किलोमीटर के फ्यूल से नहीं पहुंच सकते। कितना भी जोश लगा लो, दिमाग लगा लो, अक्कल लगा लो, होशियारी, नॉलेज, समझदारी, चालाकी, IQ, स्मार्टनेस, अंदर की आवाज, पैशन, सपने, बड़ा गोल, कुछ भी लगा लो, फ्यूल का काम फ्यूल करता है। फोकस और कंसंट्रेशन ना होने की वजह शरीर भी होता है, जिम दिमाग के लिए भी सही है। आपको लाइफ में बहुत दूर जाना है तो आपको उतना पेट्रोल चाहिए। ढीले लोगों का यहाँ काम नहीं है, गला काट कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर। दिमाग खपाने के लिए शरीर को स्ट्रांग करना होता है क्योंकि शरीर का मतलब दिमाग भी है। रिसर्च कहती है 1987 में 70 साल के आदमी का टेस्टोस्टेरोन आज के 20 साल के लड़के से ज्यादा था। अब टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाए कैसे, हाई एनर्जी, पावरफुल फील, ऊर्जा वाली फील करे कैसे? नंबर 1, सनलाइट, विटामिन डी से होगा। ये लो फील करते हो बेवजह, मूड खराब, चिड़चिड़ापन, कमजोर फोकस और कंसंट्रेशन होता है। ये होता है जब न्यूरोट्रांसमीटर को सहयोग करने वाली चीजें नहीं मिलती है। आसान भाषा में दिमाग के तारों में करंट पहुंचना बहुत जरूरी है। सुबह 11 बजे से पहले आप धूप में ये चीजें कर सकते हो सनलाइट लेने के लिए। ये जो हर बार डोपामिन सुनते हो ना, फील गुड हार्मोन जो है, इसमें विटामिन डी मेजर रोल प्ले करता है। अब समझ आए कोई मिल गया में जादू में इतनी शक्ति क्यों होती है, धूप लेता था वो। इसके अलावा ये चीजें कर सकते हो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, आराम से पढ़ लेना, बाद में आगे बढ़ते हैं। अ मैन शुड फोकस ऑन टेस्टोस्टेरोन, दो ऑप्शंस है। एक, 300-400 मीटर बाइक को घिसते हुए लेके जाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर जोश है। दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल को भरो, आराम से लेके जाओ। सेम विथ बॉडी, ताकत होगी तो हंसते हंसते मेहनत कर लोगे, वर्क लाइक हेल कर दोगे, नहीं तो 3 घंटे काम के लिए भी आपको मोटिवेशन की जरूरत होगी अगर बॉडी में ऊर्जा नहीं है। अब सुनो, हवाई जहाज को उड़ाने लायक बनाना जान लिया यानी कि शरीर, अब इसे उड़ाना सीखता है यानी कि समझदारी। सिर्फ हल्क बनने से काम नहीं चलेगा, टोनी स्टार्क वाला दिमाग भी चाहिए थेनोस को मारने के लिए, थेनोस मतलब बुरे वक्त को। इसलिए रूल नंबर 3, मैन वाली मेंटालिटी। अगर आप 18 से ऊपर आ गए हो तो अपने आप को बॉय समझना बंद कर लो, किडिश हरकतें बंद कर दो, भोलापन छोड़ दो, डील करो लोगों से, मानो आपकी उम्र 40 की है। बातों से, समझदारी से, अक्कल से झुकाना सीखो, लोग आपको उम्र नहीं समझदारी से बड़ा मानते हैं। 50 साल का आदमी भी अगर बच्चों वाली हरकतें करेगा तो उसकी भी इज्जत नहीं होगी, वही 23 साल वाला अपने से बड़ों को लीड कर सकते हैं। मेंटली स्ट्रांग बनो। एक आदमी की पहचान होती है वो डरता नहीं है,
कोई भी चैलेंज हो। और जो डरता नहीं है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ये लोगों को बहुत पसंद आता है। लोग अट्रैक्ट होते हैं उसके कॉन्फिडेंस से। बहादुर लोगों की ये दुनिया है, 100 में से एक बहादुर आता है, 99 लोगों को वो कंट्रोल करता है। रूल नंबर 4, जल्दी से फाइट मत करो या करो ही मत। लोगों से उलझो मत, आर्ग्यूमेंट मत करो, लड़ाई भी मत करो। ना दोस्त जल्दी बनाओ ना दुश्मन जल्दी बनाओ। हर किसी को आपकी लाइफ की स्टोरी में आने के काबिल मत समझो। विकिपीडिया में आपकी कहानी में किसी का नाम आता है तो उसका भी विकिपीडिया पेज बनता है। दुश्मन मत बनाओ, चालाकी में उलझाते रहो, बातों से घुमाओ और अंदर ही अंदर स्माइल करते हुए उनको पागल होते हुए देखो। बदला मत लो, कम से कम वर्ड्स बोलो, यहाँ तक कि आपके पास बहुत जबरदस्त बात हो तब भी मत बोलो, शांत रहो। व्हाट्सएप म्यूट कर दो, इंपॉर्टेंट लोगों को दूसरी ऐप में बुला दो, सारे टाइम वेस्ट करने वाली एप्लीकेशन को म्यूट कर दो, उनके नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। क्योंकि याद नहीं मैंने क्या कहा था, इन रूल्स को फॉलो करने के लिए आपको गायब होना होगा। यूजलेस लोग जो आपको बातों में घुमा करके आपसे काम निकलवाते हैं, उनके कॉल्स इग्नोर करो। लोगों को बोलना सीखो कि काम की बात हो तो बताओ, वरना किसी और दिन बात करते हैं। सामने वाला कितना ही अमीर हो, कितना ही बड़ा हो, जब तक वाकई में जरूरी ना हो बात मत करो, वो आपका कॉन्फिडेंस लो करेगा। इसे घमंड नहीं कहते, और अगर कहते हैं तो पहले आप अपने फंडे क्लियर करो, फिर मेरी वीडियो पे आओ। रूल नंबर 5, जितना लोगों में पढ़ोगे उतना ड्रामा क्रिएट होगा। किसी ने कुछ कह दिया इसलिए काम मत करो। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो आपने व्हाट्सएप स्टोरी रख दी कि सक्सेस ही सबसे बड़ा रिवेंज है, और चल पड़े मेहनत करने। क्यों भाई, किसी को जवाब देने के लिए मेहनत क्यों करनी थी, उससे पहले क्यों नहीं करनी थी? लोगों को जवाब देने के लिए काम करना बंद कर दो, छोटे थे तब करते थे यार। कोई आपसे जले तो खुश होने की जरूरत नहीं है, इसको कामयाबी मत समझो। इंस्टाग्राम की शायरी से बाहर हो, किसी को जलाना कामयाबी नहीं, अपने अंदर के जानवर को खुश करना कामयाबी है। दिल की आवाज सुनो, उसको क्या चाहिए वो सुनो, ना कि बाहर की दुनिया कैसे चलती है वो करो। बॉय से मैन बनो, आदमी बनो, और लड़कियां देख रही है मेरी वीडियो को तो वुमेन बनो। छोटी हरकतों से दुनिया कदमों में नहीं होती है, आप लीड नहीं कर पाओगे, आपको किसी के लिए काम ही करना होगा। गांव का मुखिया बनता है बड़प्पन मैच्योरिटी एथिक्स और न्यूट्रलिटी की वजह से, कि वो बंदा कितना न्यूट्रल है और किसी के कहने से कम फर्क पड़ता है, उसे बनाया जाता है। रूल नंबर 6, लोग क्या कह रहे हैं आप क्यों सुन रहे हो, इतना अच्छा क्या कह रहे हो वो? उनको स्पॉटिफाई वाली इज्जत मत दो, वो कोई जॉ रोगन नहीं है। आपका दिल क्या बोल रहा है वो सुनो। मैंने दिल की सुनी, कुल मित्र बना, लोगों की सुनता ई मित्र बनता, और वाकई में ई मित्र बनता। ये मैं राइम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। रूल नंबर 7, पर्सनल लाइफ सिर्फ पेरेंट्स, लाइफ पार्टनर और खुदा के साथ में शेयर करो। रोना आ रहा है, खुदा से बात करो, हिम्मत मांगो। ये मेरा रिटर्न में प्रॉमिस है आपसे, अगर आप ऊपर वाले से बात करो रोते हुए, हिम्मत मांगो और मोटिवेशन ना मिले तो कमेंट में आप मुझे कुछ भी कह सकते हो। अगर गॉड में बिलीव नहीं करते हो तो रूल नंबर 8 फॉलो करो, फीलिंग्स रिकॉर्ड करके खाली हो जाओ। फीलिंग्स को ढंग से समझो, ये बस सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। बाहर लोगों में सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें बोलो, और अंदर मन हल्का करने के लिए कुछ बोलना है तो खुद ही सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर लो। ये देखो मेरा प्राइवेट फोल्डर जहां मैं सेल्फ वॉक वीडियोस बनाता हूं, 5 साल से मैं बना रहा हूं, पागल तो हूं नहीं, और अगर हूं तो इसे मैं तारीफ समझूंगा। अपना रोना लोगों को मत बताओ, लोग बोर होते हैं, किसी को दुखी इंसान पसंद नहीं है। रूल नंबर 9, अपनी फीलिंग्स को जेब में रखकर सामने वाले की फीलिंग्स सुनते जाओ। अपनी फीलिंग्स पॉकेट में रखो, वरना लोग आपकी पॉकेट खाली कर देंगे। आंसू पोंछने वाला सौदा करके जाएगा, इसका उल्टा करो। लोग कहां अटक रहे हैं, उनकी कमजोरी क्या है, उनकी फीलिंग समझो, मदद करो। यही तो लीडर होता है, जो दिल का बड़ा बनता है, दिल दरिया होता है जिसका। छोटी सोच छोड़कर बेवकूफों की तरह सबको अपना मान लो। शकील की तरह 9वीं क्लास से 10 बार धोखा खाने के बाद भी 11वीं बार विश्वास करो। अगर आपके पेरेंट्स आपको भलाई करते देख, मदद करते देख, या किसी के साथ में बिजनेस करते देख बेवकूफ ना बोल रहे हो तो समझ जाओ आप बड़ा नहीं कर रहे हो, रिस्क नहीं ले रहे हो। मरने से बुरा तो क्या ही हो जाएगा, कोई ना कोई तो लेसन मिल के ही रहेगा। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, लोगों को आपके ऊपर डिपेंड कर दो। दुनिया के ऐसे काम हो, सबको ऐसे खुद पर डिपेंड कर दो कि वो आपके बिना रह नहीं पाए, फिर देखो कैसे आपके काम निकलते हैं। मस्कुलिनिटी को बढ़ाने के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना होगा। छाती पे मर्द लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको शरीर और दिमाग का तालमेल बैठाना होता है। बहादुरता दिखाकर आप बोझ उठा दोगे, लेकिन अगर आप दिमाग भी लगा लो तो आप होश उठा दोगे। रूल नंबर 10, वक्त को काबू में कर दो। अब आ जाओ वक्त पर, सब कुछ वक्त है, वक्त ही जिंदगी है, जिंदगी का दूसरा नाम वक्त होना चाहिए। साइंस कहती है कि वक्त चल रहा है इसलिए ब्रह्मांड चल रहा है, वक्त चल रहा है इसलिए वीडियो चल रही है, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो हो रहे हो। वक्त की पूरी अपनी विज्ञान है। वीडियो एंड होगी, आप कुछ करोगे, हर चीज वक्त के अंदर ही होती है, इसलिए वक्त समझो। सब कुछ वक्त में करना मास्टरी है। 1 करोड़ बहुत छोटी रकम है अगर ये 50 साल की टोटल कमाई है,
महीने के केवल 16,000 होते हैं। वक्त बदल दो 1 करोड़ एक साल में, ज्यादा लगता है, और वक्त बदल दो 1 करोड़ एक महीने में, केवल वक्त बदला है, अमाउंट वही है। कोई इंसान 1 रुपया कमाता है, बहुत छोटा अमाउंट है, वक्त बदल दो 1 रुपया एक सेकंड में कमाता है, जो कि घंटे के होते हैं 3600, दिन के होते हैं 86,400, महीने के इतने होते हैं कि कैलकुलेटर में आ ही नहीं रहा है। गेम वक्त का है, करने का नहीं है। दुनिया में पहली बार रॉजर बेनिस्टर ने 4 मिनट में 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करा। 4 मिनट में 1 माइल कंप्लीट पूरी दुनिया में 1954 से पहले किसी ने नहीं करा था। हाईलाइट पॉइंट टाइम है, काम नहीं है। 30 मिनट में 1 माइल कोई भी आराम से भी जा सकता है। शरीर और दिमाग से कितने ही पावरफुल बन जाओ, वक्त के अंदर खेलना बहुत जरूरी है। इसके लिए कैलेंडर को दिमाग में रखो, साल वाइज, महीने वाइज, सप्ते वाइज, दिन वाइज, घंटों वाइज एंड देन मिनट्स वाइज, क्योंकि एक वक्त में आप एक ही मिनट में काम कर रहे होते हो, एक वक्त में आप एक पल में काम कर रहे होते हो, एक एक पल को काबू में करो। ये क्यों करना है? क्योंकि कार को शुरू में चलानी पड़ती है, पर बाद में आपसे अपने आप चलती है, क्योंकि फिर आप नहीं चलाते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। कैलेंडर को शुरू में चलाना पड़ेगा, लेकिन बाद में आप नहीं चलाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड चलाएगा। एक दिन में क्या पाना है वो लिस्ट अलग, सप्ते की लिस्ट अलग, महीने की लिस्ट अलग, साल की लिस्ट अलग करो। क्या पाना है उसमें सालों लग जाए भले, लिस्ट बनाओ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग, यानी कि डन क्या कर दिया उसकी लिस्ट, डूइंग क्या कर रहे हो उसकी लिस्ट, टू डू क्या करता है उसकी लिस्ट को घंटों, दिनों, सप्तों, महीनों और सालों में बांटो। इसको बोलते हैं सपनों का नक्शा बनाना। कहीं भी आपको पहुंचना होता है, पहले आपको नक्शा बनाना होता है, यानी कि आपको पहले पता भी करना होता है कि आपको जाना कहां से है। शुरू में इरिटेट करेगा, आपको करना होगा, लेकिन बाद में अपने आप आपका दिमाग करेगा बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपके पेट में खाना और लिक्विड डाइजेस्ट होता है, जो आप नहीं करते हो। दिल की धड़कने आप नहीं चलाते हो, शरीर की कोशिकाएं आप नहीं बनाते हो, शरीर पर लगे घाव आप नहीं भरते हो, शरीर में जो भी ग्रो होता है, जो भी बनता है या फिर ठीक होता है, वो आप नहीं करते हो, ऑटो पायलट में चल रहा है। वैसे ही वक्त आपसे ऑटो पायलट में कंट्रोल होने लग जाएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। मैं बहुत बहुत उम्मीद करता हूं कि दिसंबर के एंड होते होते आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, आप बहुत मेहनत करो, आपके अंदर एनर्जी बहुत रहे, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा, आपके केवल सुनने से भी नहीं होगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा। अगर आपको 1% भी लगता है कि इस वीडियो ने आपके अंदर खतरनाक वाली एनर्जी बढ़ दी है, तो कमेंट लिखे बिना जाना मत। अगर कमेंट क्या करे समझ नहीं आ रहा, तो ये लिख दो कि मैं आज से ही अपनी बॉडी और अपने माइंड पर काम करना शुरू करने वाला हूँ या वाली हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।